हाय एवरीवन, आज हम कबाब की रेसिपी लेके हैं जो बहुत ही आसान है बनाना और खाने में बहुत ही टेस्टी है। देखिए कितनी बढ़िया बनी है, दिखा देती हूँ। देखिए ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से देखिए कितनी सॉफ्ट है। हरी चटनी और सॉस है, इस तरह से हरी चटनी के साथ लगा के खाइए, सॉस के साथ लगा के खाइए, बहुत ही टेस्टी है और मज़ेदार है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सब मांग मांग कर खाएंगे। एकदम ईजी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। अब चलिए देर की इस बात के इस कबाब को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल ले लिया है, दो बॉयल आलू ले लिया है। आलू को हम इस तरह से ग्रेट करके ले लेंगे। आलू को ग्रेट करके ले लिया है, दो बॉयल अंडा ले लिया है। अंडा को भी हम इस तरह से ग्रेट करके ही डालेंगे। एक बारीक कटी हुई प्याज, दो हरी मिर्च, थोड़ी सी अदरक, हरा धनिया, स्वाद अनुसार नमक, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच जीरा पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी गरम मसाला पाउडर। अब सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। मिक्स कर लिया है, अब हाथों को साफ़ कर लेंगे। अब हाथों में थोड़ी सी ऑयल लगा लेंगे ताकि चिपके ना। इस तरह से थोड़ी सी पोषण ले लेंगे, हाथों के अंदर इस तरह से गोला कर लेंगे, हल्के हाथों से दबा लेंगे। जिस तरह से कबाब बनाते हैं उसी तरह से बनाना है। देखिए इसी तरह से हम सभी कबाब को रेडी कर लेंगे। देखिए सभी कबाब को बना के रेडी कर लिया है, कितनी बढ़िया लग रही हैं। अब इसको साइड में रख देंगे। दूसरा बाउल ले लिया है, दो चम्मच मैदा ले लेंगे, थोड़ी सी नमक मिलाएंगे ताकि फीकी ना लगे। अब थोड़ी थोड़ी पानी डाल के पतला सा घोल रेडी करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि कोई लम्स ना रहे। देखिए घोल हमारी रेडी है, इसी तरह से चाहिए हमें। इधर दो ब्रेड को पीस के ले लिया है। इसी तरह से जो कबाब बनाई है वो इस तरह से डीप करेंगे, इस तरह से डीप करना है। फिर ब्रेड क्रम्स के ऊपर रखेंगे, इस तरह से कोटिंग करेंगे। देखिए इसी तरह से हम सभी को कोटिंग करके ले लेंगे। देखिए सभी कबाब को बना के रेडी कर लिया है, कितनी बढ़िया बनी है। आप इसको दो दिन स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में, जब आपका मन करे तब फ्राई करके खा सकते हैं। अब चलिए गैस पे चलते हैं। पहले से ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है, ऑयल भी हमारी गरम हो गई है। अब एक एक करके डाल देंगे, डाल दिया है। इसी तरह से एक साइड सेकने देंगे गैस का फ्लेम हाई करके। देखिए एक साइड सेक गई है, अब हम पलट लेंगे। पलट लिया है गैस का फ्लेम हाई टू मीडियम करके सेक लेंगे, जब तक क्रिस्पी ना हो जाए। इस नाश्ता को सुबह की चाय में, शाम की चाय में, मेहमान आने पर भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान है, झटपट बन के रेडी हो जाते हैं। इस तरह से बना देंगे, बच्चों से लेकर बड़ों तक सब मांग मांग कर खाएंगे। आप इस रेसिपी को इफ्तार में भी बना सकते हैं, रमज़ान में भी बना सकते हैं। देखिए सीख गई है और कलर भी कितनी बढ़िया आई है। अब हम निकाल लेंगे। देखिए मैं पास से दिखा रही हूँ कितनी बढ़िया बनी है, और सभी नाश्ता को इसी तरह से रेडी करके ले लेंगे। नाश्ता हमारी रेडी है, देखिए ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट है। इस तरह से सॉस के साथ, हरी चटनी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही आसान है बनाना। ज़रूर ट्राई करिएगा, फिर कमेंट करके बताइएगा आपकी रेसिपी कैसी लगी है। उम्मीद करती हूँ आपके नाश्ता की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नई हो और नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब चलिए अगली वीडियो पर मिलते हैं। बाय।